न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान करके हार्दिक ने जीता भारत का दिल। हार्दिक पांड्या अपने बेफिक्र अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब से टीम इंडिया की कप्तानी मिली है तब से हार्दिक पांड्या के क्रिकेट में एक नया मोड़ आ गया है। चाहे सीरीज देश में हो या विदेशी सरजमी पर हार्दिक ने अपनी कप्तानी के झंडे गाड़ दिए। इसके अलावा हार्दिक ने वो कर दिखाया जो रोहित शर्मा भी ना कर सके। न्यूजीलैंड को उसके घर में धूल चटाने के बाद हार्दिक पांड्या ने भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड को कुचलने के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। पांड्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 की प्लेइंग 11 में खेलने के लिए तरसे ओपनर को शामिल करके तहलका मचा दिया है। भारतीय टीम अपना पहला T20 मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेलेगी जबकि दूसरा T20 मुकाबला 29 जनवरी को लखनऊ में खेला जाएगा जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। यह तीनों मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से लाइव देखे जा सकेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं हार्दिक ने न्यूजीलैंड को कुचलने के लिए किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। इस पूरी सीरीज में लगभग सभी नए खिलाड़ी मौजूद हैं। पहले T20 में ओपनिंग में पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देंगे। हार्दिक ने लंबे समय लगभग 537 दिन से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे ओपनर पृथ्वी शॉ को मौका दिया है जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जिन्होंने हाल ही में रणजी में 13 शतक लगाकर अपनी काबिलियत को पेश किया है। पृथ्वी का बल्ला T20 और IPL में आग उगलता है और पृथ्वी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। जिनका साथ चिर परिचित शुभमन गिल देते हुए नजर आएंगे जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा है। जबकि तीसरे नंबर पर बिहारी बॉय ईशान किशन अपनी बैटिंग का गदर मचाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा चौथे नंबर की जिम्मेदारी वाइस कैप्टन सूर्यकुमार यादव संभालते हुए दिखाई देंगे जो अपने शॉट्स से किसी भी क्रिकेट ग्राउंड को शर्मिंदा कर सकते हैं। जबकि पांचवें नंबर पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या रनों की रफ्तार बढ़ाते हुए नजर आएंगे। छठवें नंबर पर अनुभवी ऑलराउंडर दीपक हुड्डा बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड को कुचलने के लिए किन किन घातक बॉलर्स को मौका दिया है। पेसर के रूप में हार्दिक पांड्या ने शिवम माबी और उमरान मलिक के अलावा अर्शदीप सिंह को मौका दिया है जबकि स्पिन बॉलिंग में युजवेंद्र सिंह चहल और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में यही संभावित प्लेइंग 11 खेलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा इस सीरीज में रिजर्व खिलाड़ियों में बैटिंग में ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी शामिल है जबकि ऑलराउंडर खिलाड़ियों में वाशिंगटन सुंदर का नाम शामिल है। इसके अलावा बॉलिंग में मुकेश कुमार शामिल है। दोस्तों पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का सुपर हीरो कौन होगा कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।